हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की रेसिपी है मसाला शिमला मिर्च की रेसिपी, जिसे मैंने 5 मिनट में बनाकर तैयार किया है। और जितनी सिंपल रेसिपी है उतनी खाने में डिलीशियस है, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। हमने यहाँ पर 3 शिमला मिर्च लिया है, जिसे हमने धो लिया था, अब इसे हम काट लेते हैं। तो हमें यहाँ पे इसे लंबे पीसेस में हमने इसे कट किया है, आप अपने अनुसार इसे काट ले। जिस तरह हमने शिमला मिर्च को काटा है, ठीक उसी तरह हमने यहाँ पे 2 प्याज को भी लंबे भागों में काट लिया है। अब हम एक बर्तन में कटे हुए शिमला मिर्च को डाल देते हैं। उसी के साथ हमने यहाँ पे जो प्याज भी काटा है उसे भी हम डाल के मिला देते हैं। अब हम यहाँ पे एक कढ़ाई को गर्म होने के लिए रखे हैं, उसमें हम 1 कटोरी कच्चा मूंगफली डाल देते हैं। आपके पास अगर भुना हुआ मूंगफली है तो ठीक है, बट हमारे यहाँ नहीं था तो मैंने इसे अच्छे से हम हल्का फ्राई कर लेंगे। इस तरह से जब मूंगफली फ्राई हो जाए तो हम इसे ठंडा करके मिक्सर जार में डाल देते हैं। हमने यहाँ पे इसे हल्का सा इसके छिलके हटा दिए हैं, आप इसे चाहे तो ऐसे भी पीस सकते हैं। और इसमें हमने पानी नहीं मिला है, इसका दरदरा हमने इसे पीस लिया है। इसे भी हम प्याज और शिमला मिर्च के साथ मिला लेते हैं। इसी के साथ हम यहाँ पे बहुत से बेसिक से मसाले मिलाएंगे, जैसे रेड चिली पाउडर 1 चम्मच, हमने यहाँ पे 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच हमने कांदा लहसुन का मसाला मिलाया है, 1 चम्मच हमने जीरा और मिर्च का मसाला जो बनाया था मैंने उसे मिलाया है। अब इन सब को हम बिना पानी मिलाए हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे रेस्ट होने के लिए साइड रख देते हैं। तो हमने यहाँ मूंगफली वाले जार में ही थोड़े से लहसुन लिए हैं, उसी के साथ थोड़ी सी हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक, इसमें थोड़ा पानी मिलाकर हम इसको दरदरा पीस लेते हैं, कुछ इस तरह से। अब हम चलते हैं लास्ट प्रोसेस में, जहाँ पे हमने पैन को गर्म होने के लिए रखा था। अब उसमें हम 3 चम्मच सरसों तेल का इस्तेमाल करते हैं और थोड़ा सा ज़ीरा और 1 चम्मच हम यहाँ पे सफ़ेद तिल इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे डालने से इसका टेस्ट काफ़ी बढ़िया आता है। अब हम इसमें अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट डाल देते हैं, इसे हम चलाकर अच्छे से इसको भून लेते हैं। यहाँ पे हमें इसे जलाना नहीं है, बस हमें इसे हल्का भून लेना है। इसके बाद हम इसमें शिमला मिर्च प्याज इसे हम डाल देते हैं। इसमें हम स्वाद अनुसार नमक मिलाकर हम इसे चला लेते हैं और इसे हम 2 मिनट के लिए इसे हम ढक देते हैं, ताकि हमारा प्याज हल्का सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पे हमारा प्याज हल्का सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें 1 कप दूध डाल देते हैं। आप इसकी जगह पानी भी ले सकते हैं, बट ये दूध डालने से इसका टेस्ट काफ़ी बढ़िया आता है। इसी क्रीम वाली दूध मिक्स कर दिए हैं। इसी के साथ हमने इसमें थोड़ा सा 1/2 कप के बराबर हम इसमें पानी भी मिक्स कर देते हैं और इसे ढककर हम 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर हम इसे पका लेते हैं। 4 मिनट हो गए हैं और हमारा सब्जी भी बनकर तैयार हो गया है। आप देख सकते हो कि हमारा यहाँ पे प्याज और शिमला मिर्च भी अच्छे से पक गए हैं, तो बहुत ही जल्दी बनकर हमारा ये सब्जी तैयार हुआ है। बहुत कम इंग्रेडिएंट से हमने बनाया है, हमने इसमें मूंगफली और शिमला मिर्च का कॉम्बिनेशन से इसका टेस्ट काफ़ी बढ़िया आता है। तो मैं यहाँ पे 2 चम्मच मैं इसमें क्रीम डाल देती हूँ, अगर आप डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं, या तो यह बिना क्रीम के भी ये बहुत टेस्टी लगता है। आपको अगर दही पसंद है तो आप इसमें दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने टमाटर का यूज़ नहीं किया है। तो अब हम चलते हैं इसे सर्व करने की ओर। आप इसे रोटी, चावल, पराठा, आप किसी के साथ भी इसे सर्व कीजिएगा, तो ये इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ बहुत बढ़िया लगता है। इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए रोज़ लाती हूँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। मैं यहाँ पे बहुत सारे शॉर्ट्स भी लाती हूँ इजी रेसिपी का, तो आप उसे भी फॉलो करें। तो मैं इसे आज तंदूरी रोटी के साथ सर्व कर रही हूँ। तो तब तक के लिए बनाओ, खाओ, इंजॉय करो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।